हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए सुनते हैं इस कहानी को। मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मैं इससे बहुत नफरत करती थी, यहाँ तक कि मैं उसे अपना दूध भी नहीं पिलाती थी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, मगर मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि जब भी वो टॉयलेट करती तो उसका गीला बिस्तर खुद ब खुद बदला हुआ होता। मैं उसको खाने को कुछ भी ना देती, फिर भी वो दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी। फिर एक दिन जब मुझे उसका राज पता चला तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बेटी के साथ, मेरा नाम कमला है, आज भी मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी, तब मैं कितना खुश थी। वो मेरी और शेखर की मोहब्बत की पहली निशानी थी। इसके आने से मुझे माँ का दर्जा मिला था। शेखर को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 30 साल की बहन की जिम्मेदारी थी। अभी इनकी बहन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी और इसी वजह से इसका कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। और इनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाए हुए थी कि मेरा पति भी बेटी के नाम से ही डर रहा था। मेरी एक के बाद एक दो बेटी पैदा हो गई थी, तो मेरे पति के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरी और शेखर की लव मैरिज थी। शेखर के लिए मैंने हर रिश्ता तोड़ दिया था। वो मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून भी था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी। मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी और जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर होने लगा था। मैं हर तरह की कोशिश करके इन्हें खुश रखना चाहती थी। मेरी सास भी अब शेखर को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी कि तेरी बीबी तुझे बेटा नहीं दे सकती, इसलिए इसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। इसी दौरान मैं तीसरी बार पेट से हो गई थी। मैंने शेखर से कहा कि आप इस बच्चे के पैदा होने तक रुक जाएं, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बेटा ही पैदा होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफी खुश रहने लगे, मेरा ख्याल भी रखते। वक्त का पहिया चलता रहा और इंतजार के दिन खत्म हो गए। मेरी डिलीवरी के पूरे 9 महीने हो चुके थे। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि मुझे बेटा ही पैदा होगा। इस बार मुझे खुशी जरूर मिलेगी और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने अपनी सास को बताया। कुछ ही देर में उन्होंने शेखर से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे का सारा सामान लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। शेखर और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतजार करने लगे, पर अंदर पहुंचकर मुझे तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी और फिर मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने वक्त के बाद मुझे होश आया था। मैं अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी और मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी देर के बाद एक नर्स मेरे पास आई। मैंने बच्चे का और बाकी घर वालों का हालचाल पूछा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी देगी, मगर उसके जवाब ने मेरे जमीन आसमान हिला दिए थे। उसने कहा कि तुमने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया है। एकदम से मुझे मेरे सारे सपने टूटते नजर आए जो मैंने शेखर को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उसने बताया कि वो तो कल से नहीं आए। फिर मैंने पूछा कि मेरी सास कहाँ है। नर्स ने बताया वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई है, पर अभी तक वापस नहीं आई है। उस नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने किया और कहा कि इसे दूध पिला दो। मेरा दिल चाह नहीं रहा था कि मैं नजर उठाकर भी उस बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने आज मेरा घर तोड़ दिया था। मैं जलते हुए दिल से गुस्से वाली नजर से उसकी तरफ देखने लगी। नर्स ने बिल्कुल सही कहा था, वो तो बिल्कुल चांद जैसी थी, पर शक्ल व सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में लिटा दिया था। वक्त गुजर रहा था, शेखर मुझसे दूर दूर रहने लगे थे, मेरे पास बहुत कम आते थे, वो मुझसे बहुत नाराज रहते थे, लेकिन मैं क्या करती, बेटी को जन्म देना या बेटे को जन्म देना मेरे हाथ में तो नहीं था। शेखर ना तो मुझसे ठीक से बात करते, ना ही मुझे कोई खर्चा देते। मेरा धैर्य अब जवाब दे चुका था। मैं शेखर की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरे आँख का तिनका थी। मैंने अब धीरे धीरे उसे अपना दूध पिलाना ही बंद कर दिया। भूख की वजह से वो रोती तो एक बार पिला देती। इसका पेट भरता है या नहीं, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। मैं ज्यादातर उसको सुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती ताकि ये रोए तब भी आवाज बाहर ना आए, और सारे काम पूरे करने के बाद ही मैं कमरे में जाती थी।
मैं पूरा दिन घर के काम निपटाती रहती, चाहे वो रोए या भूख से तड़पे या अपना बिस्तर गीला करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी सास इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ कैसा सलूक कर रही हूँ। दिल ही दिल में वो भी नाराज थी इस बात से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती थी। एक रात अचानक मेरी आँख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुँह से दूध का बोतल लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ। मैं परेशान होकर उठ बैठी कि ये किसने दिया होगा। बहुत सोचा, शायद मेरी पगली ननद आकर दे गई होगी या फिर मेरी बड़ी बेटी ने दिया होगा। लेकिन फिर ऐसा रोज ही होने लगा। रात में जब भी मेरी आँख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता और गीला बिस्तर खुद ब खुद बदला हुआ होता। अब तो उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब तो ना मेरी नींद खराब होती और ना ही मैं इस बात पर कोई ध्यान देती कि उसने दूध पिया होगा या नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत दिन ब दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन मोटी और गोल मटोल होने लगी थी। मोटे होने की वजह से वो बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उससे निगाहें हटाना मुश्किल होता था। मेरी बाकी दोनों बेटियां भी खूबसूरत थी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। मेरी बेटियों ने उसका नाम तारा रख दिया था, लेकिन उसकी इतनी खूबसूरती और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर भी मुझे उसके ऊपर प्यार नहीं आता था। मुझे इससे नफरत महसूस होती थी, वो मुझे मनहूस लगती थी। अगर वो इस दुनिया में ना आती तो इसकी जगह मेरा बेटा आ जाता, मेरे घर में आज कितनी खुशियाँ होती, मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता और वो मुझे कितना खुश रखता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मेरे और शेखर के बीच दूरियां आ गई थी। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। इसकी आवाज़ सुनकर इसकी पागल बुआ और इसकी बहन इससे बात करने चले आते थे, पर मैं कभी इसे कमरे से बाहर नहीं लाती थी। ना ही कभी इसके बाप या दादी ने कहा कि बच्चे को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई कि कमरे में जाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी, क्योंकि उस दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ। रात को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर बस एक नज़र उस पर डाली थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। हालांकि मैंने सुबह से उसको देखा भी नहीं था, ना ही उसको एक चम्मच दूध पिलाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 2 बजे मेरी आँख खुल गई तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते ना जाने कब अकेले झूले पर लेटे लेटे सो गई। उसके झूले के पास एक खिड़की भी थी जो उस वक्त खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी और उसके पास जाकर देखा, लेकिन वो तो बहुत ही प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया बोतल उसके पास पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पी कर ख़त्म कर दिया था। मैंने उस कंबल को छू कर देखा जो काफ़ी महंगा लग रहा था, पर यह किसने लाकर मेरी बेटी पर डाला होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्या शेखर को तरस आ गया था इस पर? मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। खिड़की और दरवाजे बंद करके सो गई। सुबह शेखर पर मेरी खास नज़र थी कि कहीं यही बेटी के पास जाकर इसका ख्याल तो नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शेखर इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आखिर ये सब क्या था? मैं सारा सारा दिन नज़र रखती, कोई भी कमरे की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता था, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? मेरे दूसरे नंबर की बेटी की आदत थी कि जब भी वो स्कूल से आती तो सबसे पहले अपनी बहन के पास आकर उसे देखती, उससे बात करती, फिर जल्दी से आकर खाना मांगती थी। वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से एक खिलौना उठाकर बाहर ले आई। इसके बाहर आते ही उसकी दादी की नज़र खिलौने पर गई। वो मेरी बेटी के हाथ से वो खिलौना छीन कर देखने लगी तो मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखने लगी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी कि आखिर वो ये सब क्या कर रही हैं। मेरी सास मेरी तरफ भागी आई और कहने लगी कि तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी। मैंने कह दिया, अम्मा जी, मुझे नहीं पता ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो ये पक्का सोने का लगता है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। तभी इतने में मेरी सास कमरे में गई और चादर लेकर बाहर आई और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छिपा कर कहीं बाहर चली गई।
मैं बैठी बैठी सोचती रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरी बेटी के पास ऐसी चीजें कहाँ से आती हैं। कुछ देर बाद मेरी सास वापस आ गई और मुझे बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहाँ से खिलौना दिखा कर आई हूँ, ये सचमुच सोने का है, हमारे घर में तो बहार आ गई। ये सुनते ही मेरे दिल और दिमाग सब सुन्न हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती रही और कोई जवाब ना दे सकी। बस इतना कह पाई कि अम्मा जी, शेखर को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो वो यही कहेंगे कि बच्चियां चोरी करती हैं, वरना खिलौना मेरी छोटी बेटी के पास से मिला था ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी सास की समझ में ये बात आ गई, उन्होंने शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेंगी और आधा मुझे दे देंगी। मैं जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी इसलिए उनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा पागल बेटी के लिए छिपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए, क्योंकि खिलौना बहुत बड़ा और भारी था, काफ़ी ज़्यादा महंगा बिका था। मेरे हिस्से में 5 लाख रुपए आए थे। मैंने इतने पैसे जिंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी बहुत थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपने बेड के नीचे छुपा कर रख दिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई और खुद पर खूब सारे पैसे खर्च किए, अपने लिए कई सामान खरीदे, राशन का सामान खरीदा, फल सब्जियां, दूध दही। अब घर में खूब अच्छा अच्छा खाना बनाती और शेखर को खुश रखने के लिए खुद को खूब सजाती और संवारती। एक दिन मैंने संदूक खोला तो सिर्फ 2 ही लाख बचे थे। मुझे परेशानी होने लगी कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर मैंने पति को 2 लाख ये कहकर दिए कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो, मैंने आपको कारोबार शुरू करवाने के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुए और मेहनत करने लगे और फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इन पैसों से किया गया बिजनेस खूब चल पड़ा। अब हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे हो गए थे, पर मेरे पति को अब भी बेटे की ख्वाहिश थी। वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा, मेरी बेटियां बड़ी हो गई और अब छोटी बेटी अब 10 साल की उम्र तक पहुँच गई थी। वो मेरी बेटियों में सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इस उम्र में ही उसने घर के सारे काम संभाल लिए थे, पर मेरे दिल में अभी तक उसकी कोई जगह नहीं बन सकी थी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, मेरी खुशियों को खाने वाली सिर्फ तारा ही थी। अगर इसकी जगह बेटा पैदा हो जाता तो मेरा पति दूसरी शादी ना करता। मेरी सौतन के 4 बेटे हो गए थे, इसके साथ शेखर भी उसी का होकर रह गया था। मेरी बाकी दोनों बेटियां अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी, पर मैंने अपनी छोटी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा था, अपने पास रख लिया था। वो मेरी बहुत सेवा करती थी, अपनी दादी और अपनी पागल बुआ को अपने हाथ से खाना खिलाती, उन्हें नहलाती धुलाती, उन्हें बहुत खुश रखती। एक दिन मैं अचानक किसी काम से बाहर निकली तो मैंने देखा तारा किसी लड़के के साथ बातें करने में बिजी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। वो लड़का बहुत ही स्मार्ट था, इतना खूबसूरत था कि जैसे अभी अभी आसमान से उतरा हुआ कोई शहजादा हो। उस लड़के ने तारा के हाथ पकड़ रखे थे। ये सब कुछ देखकर मैं गुस्से के मारे आग बबूला हो रही थी। अब उस लड़के की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ ऐसी नज़र से देखा कि मुझे देखने से ही डर महसूस हो रहा था। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं जल्दी से उल्टे पांव वापस अपने कमरे में आ गई थी। पूरी रात मैं बुखार में तपती रही, ये सिर्फ उस पर नज़र पड़ने का असर था। अगले दिन तक कुछ ठीक हुई तो मैं अपने एक जानने वाले बाबा के पास गई। मैंने बाबा को तारा के बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें बताई। फिर जो बाबा ने बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। बाबा ने कहा, वो लड़का एक जिन्न है, जब तारा पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी महबूबा को किसी फकीर ने अपने जादू से जलाकर मार दिया था। तभी जिन्न को बहुत गुस्सा आया और उस फकीर को मारने वाला था। जब फकीर को लगा कि अब ये जिन्न मुझे मार डालेगा तो फौरन फकीर ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा। तब उस जिन्न ने उस फकीर को छोड़ दिया। तब फकीर ने बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस मेरी बोतल की कैद में है। जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो रहा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले उस बच्चे के मुंह में उस सांस को भर देना तो तुम्हारी महबूबा की चाल और शकल उस बच्चे में चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारी महबूबा फिर से मिल जाएगी। और फिर जिन्न ने ऐसा ही किया और उस वक्त तुमने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर उस दिन के बाद वो लड़की बन गई थी।
मेरे बेटे को उस जिन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सारे दुखों का बदला इससे लेकर रहूंगी। इसकी मोहब्बत मैं इससे छीन लूंगी। इसको मैं कभी खुश रहने नहीं दूंगी। जिस तरह इसने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थी। मैंने अपने पति से कह दिया था कि अब मैं तारा की जिम्मेदारी और नहीं उठा सकती। अब मैं इसकी शादी कराना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, ये तो सबसे छोटी है, इससे पहले दो बेटियां हैं, पहले उनकी शादी करेंगे, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। पर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इसके करैक्टर पर शक है, मैं इसे और नहीं संभाल सकती। इन बातों के दौरान मेरी बेटी बहुत दुखी नजर आ रही थी। वो बहुत ही उदास नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वो मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ तू ऐसा कैसे कर सकती है, क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रही हो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे बिना तड़पता रह जाएगा, मुझे पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। फिर मैं मुस्कुराई और साफ साफ कह दिया कि तेरे इस आशिक की ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगी, तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वो चुप होकर खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे अपनी नजरों के सामने से जाने के लिए कहा तो वो गुस्से से कहने लगी, माँ ये सब ऐसो आराम, पापा का चलता हुआ कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई, सब उसी की बदौलत है, आप लोगों का इसमें कोई किरदार नहीं है। और हाँ, अपने पहले वाले हालात याद कीजिए, आप बहुत पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी नहीं रहने देगा, और वो गया तो सारे सुख भी आपसे छिन जाएंगे, हमारे सुख चले जाएंगे, फिर आप पहले जैसे गरीबों की जिंदगी जियोगी। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूंगी। मैंने तारा की बात नहीं मानी और जल्द ही इसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगी। एक जगह बात पक्की हो गई और आज लड़के के माँ बाप तारा को देखने आने वाले थे। आखिर तारा मजबूर होकर मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा बजाया तो दरवाजा भी नहीं खुला, तो मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। लेकिन अजीब बात थी कि दरवाजा अंदर से बंद था, कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं थी, फिर वो अंदर मौजूद क्यों नहीं थी। मैं समझ गई कि वो मेरी बेटी को ले गया, वो चली गई और मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा। सब घर वालों को बस इतना ही कहा कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। इसके जाने के बाद हमारे हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से जमीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और ना ही पति का कारोबार आगे चल सका। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरी किसी को भी कोई परवाह नहीं थी, बस एक वही थी जो मेरी सेवा करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। आज वो नहीं है तो मुझे इसका एहसास हो रहा है। मैंने इस मासूम के साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने अपनी अपनी पसंद से शादी कर ली है। मेरे भगवान ने मुझे मेरी किए की बहुत बड़ी सजा दी है। अब मुझे कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।